ये बात तब की है जब हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा हुआ करता था। हिरण्यकश्यप को घोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से 5 वरदान प्राप्त हुए, जिसकी वजह से उसे लगा कि वह अमर हो गया। कोई भी मनुष्य या जानवर उसे मार न पाए। वह न घर के अंदर मरे और न ही घर के बाहर, न ही दिन में प्राण त्यागे और न ही रात में। कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसे न मार पाए। वह न धरती पर, न आकाश में और न ही पानी में मरे। जैसे ही उसे यह वरदान प्राप्त हुए, वह अत्यंत अहंकारी हो गया। मैं अब त्रिलोक का राजा हूँ और सभी लोग केवल मेरी ही पूजा करेंगे, और अगर किसी ने भगवान की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता का आदेश मानने से इनकार कर दिया और वह भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। इस कारणवश हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को भेजा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको नहीं छू सकती। होलिका जैसे ही प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। इस कारणवश प्रहलाद को अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ, मगर होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित उसमें से वापस आ गए। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। तो कहाँ है तुम्हारा विष्णु? बुलाओ उसे। विष्णु सर्वव्यापी है पिताश्री। अगर वो सर्वव्यापी है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? वह उन्हें ही दर्शन देते हैं जिनको उन पर श्रद्धा है। वह मुझ में है, वह आप में है, वह हर जगह है, वह तो इस स्तंभ में भी है। तो वह इस स्तंभ में है, अभी देखता हूँ। अंकर हिरण्यकश्यप, तुम्हें आज भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान भी नहीं बचा सकता। भगवान नरसिम्हा ने अपने पंजों से हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उसका वध किया और इसी प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई।